देखते हैं हिमालय की चोटी पे पहले कौन पहुंचता है। तुझे तो मैं हरा के रहूंगा। टक्कर क्यों मार रहे हो? टक्कर? अरे सबके सब कहाँ रह गए? मूसा कुत्ता! टक्कर मार के गिराने की कोशिश कर रहा है। बस वहाँ पहुँचते ही जीत जाऊंगा। मूसा कुत्ता! आ गए। टक्कर का जवाब टक्कर से। मुझे गिराता है? अभी देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। प्रभु मैं आ रहा हूँ। क्यों मूषकराज, पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही है क्या, जो सबको राक्षस की तरह टक्करे मार रहे हो? याद है वो दिन जब तुमने सब तरफ तबाही मचा दी थी और मुझसे भी लड़े थे? कैसे भूल सकता हूँ। आंखें खोलो गजमुखासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही सुधर गया भोलेनाथ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव या जानवर मुझे हरा न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा गजमुखासुर। लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो फिर से सब देवता कहेंगे कि शिव शंकर जल्द ही प्रसन्न होकर राक्षसों को वरदान दे देते हैं। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करूंगा। मैं आपका दास हूं, हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो गजमुखासुर। भोलेनाथ, आप सचमुच भोले हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी गलत काम भी हो जाते हैं। राक्षस जो ठहरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम।
भगवान की पूजा कर रहे हो? गज मुखासुर भागो! जाओ राक्षसों, सबको बंदी बना लो। आज से सिर्फ मेरी पूजा होगी। किसी को मत छोड़ना। देवगण, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या? देवगण को भी बंदी बना लो, एक भी देव छूटने न पाए। भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गणेश बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? प्रभु प्रभु प्रभु। नंदी, क्या बात है नंदी? भोलेनाथ भोलेनाथ, देवतागण आपसे मिलने आए हैं, काफी डरे हुए हैं। डरे हुए? प्रणाम भोलेनाथ। दुहाई हो भोलेनाथ, आपके दिए हुए वरदान से गजमुखासुर और भी घमंडी हो गया है। क्या? और वो बिना किसी बात के सब तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पूछिए पूछिए वरुण देव से। हाँ, अरे वरुण देव कहाँ रह गए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। गजमुख ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरुण देव, ये इन्हें किसने? भूखा। अरे ये पहाड़ टूटने की आवाज कैसी? ये देवगण साथ में भूकंप लेकर तो नहीं आए हैं? गणेश, ऐसे नहीं कहते बेटा। अब तो विश्वास हो गया आपको? ये सब कर रहा है आपका चहेता गजमुखासुर। प्रभु आप भी ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। इस गजमुख ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग चिंता ना करें, उसे मैं अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। बेटा गणेश। जी पिताजी। उस दुष्ट गजमुख को तुम ही सबक सिखा सकते हो। जाओ जाओ और उसको उसके बुरे कर्मों की सजा दो। जो आज्ञा पिताजी। आप जरा भी चिंता ना करें, मैं अभी उस पापी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ? मगर प्रभु, ये अकेला कैसे? रुकिए गणेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ गणेश, नंदी और गणों को अपने साथ ले जाओ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजमुख बहुत शक्तिशाली हो गया है, उसे हराने में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं माँ, उस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही उसे हरा कर आपके हाथों से बने मोदक खाने आ जाऊंगा। वैसे भी लड़ते लड़ते भूख और बढ़ जाएगी। गणेश जी, आप जिद मत करिए, अपनी माँ का कहा मान लीजिए। गजमुख बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गणेश जी। सब शांत हो जाइए, मुझे गणेश की बुद्धिमानी और शक्ति पर पूरा विश्वास है, ये अकेला ही उसको हरा सकता है। जाओ बेटा, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अच्छा, तो सारे राक्षस यही हैं।
पहले इनसे निपटता हूँ। मुझे पकड़ो, मैं आऊँ। आओ आओ तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान बालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गजमुख, लगता है खेल बहुत हो गया। अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। नमः शिवाय।
गणपति बप्पा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान। मेरे कान। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया। आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों, मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूषक राज। प्रभु, दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ। ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय। आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ऋषि व्यास यहां? भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो मुनिवर। भगवान, अब हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है। चिंता मत कीजिए,
आपकी समस्या का हल है हमारे पास, गणेश। बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश। नंदी जाओ, बालक गणेश को बुला कर लाओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूषक जी, क्या कर रहे हो? प्रभु, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी पढ़कर ही दम लूंगा। आखिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान भगवान का वाहन जो हूँ, अब तो ये मोदक भी ये शब्द पढ़ने के बाद ही खाऊंगा। तब तो लगता है तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे बुद्धिमान मूषक। हाँ। वो क्यों? ठीक है, अभी पढ़ता हूँ। अरे बुद्धू, तू सीधा अक्षर ढंग से नहीं पढ़ सकता तो उल्टा क्या पड़ेगा? अब पढ़ो। रहने दीजिए प्रभु, पहले मोदक खाता हूँ फिर पढ़ लूंगा, यानी कोशिश करूंगा। क्योंकि सीधा होने के बाद तो ये और भी कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। ये पढ़ो, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। ये ठीक है, अब तुम ऐसे ही पढ़ते। प्रणाम गणेश। कैसे हो मूषकराज? अच्छा हूँ। अरे नंदी, तुम भी क्या मूषक की तरह कुछ पढ़ने आए हो? नहीं नहीं बालक गणेश, पढ़ने का काम मूषकराज पर ही छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहने आया था कि भोलेनाथ ने आपको अभी बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है, चलो। पढ़ना तो मैंने सीख लिया, चलो अब मोदक खाता हूँ। प्रभु तो जा रहे हैं। रुकिए प्रभु, रुकिए, मैं भी आता हूँ। पिताजी, प्रणाम माँ। मुनिवर, आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनिवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। चले मुनिवर। चलिए, प्रणाम प्रभु। प्रभु कहो ना उनसे। मुनिवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है।
क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनीवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। ये लीजिए। नहीं होगा। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुशक जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। लीजिए मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गणपति बप्पा। प्रभु,
तारकासुर ने कार्तिकेय को हराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया है। भगवान शंकर भी नहीं है, हम क्या करें? घबराओ नहीं, इस तारकासुर का वध हमारे प्यारे भाई कार्तिक के हाथों से ही होगा। हम युद्ध में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगे। आओ अनुज, इस सृष्टि को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड देकर इस धरती को उसके पापों से मुक्त करवाता हूँ। ऐसा बालक मेरा क्या वध करेगा? इसको तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। इसके लिए तो मेरा एक दैत्य सैनिक ही काफी है। हंस ले अहंकारी मूर्ख, मृत्यु से पहले जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हंसी। तेरी ये मजाल मायावी बालक, अभी मैं तुझे और तेरे मुट्ठी भर गनों को मजा चखाता हूँ। Oh!
हाँ।